हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा बंसल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। डायलॉग को लेकर चर्चा में है फिल्म ये है मेरा वतन। अपने डायलॉग से फिल्म की कहानी बयां कर रही है फिल्म ये है मेरा वतन। आम तौर पर बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं उनके प्रोमो देखकर लोग फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म की कहानी का अंदाजा भी प्रोमो को देखकर ही लगाया जाता है। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म बनकर तैयार है जिसके पोस्टर फिल्म की कहानी कहते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिल्म ये है मेरा वतन के पोस्टर जैसे जैसे रिलीज होते जा रहे हैं वैसे ही फिल्म की कहानी भी लोगों की समझ में आती जा रही है। प्रमोद माउथो अपने पोस्टर में कह रहे हैं, हम तो खुशकिस्मत थे कि पाकिस्तान आ गए, उनके बारे में सोचो जो नहीं आ पाए। इसके बाद यशपाल शर्मा ने अपने पोस्टर में कहा, तुम पाकिस्तान तो चले गए मगर पाकिस्तानी आज तक नहीं कहलाए, मुहाजिर कहलाते हो मुहाजिर। और अब तीसरे पोस्टर में विष्णु शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं, इससे पहले कि टेररिस्ट अपना ट्रेनिंग कैंप छोड़कर जाए हमें अपने मिसाइल उन पर छोड़ देंगे। इस फिल्म का तीसरा पोस्टर अभी रिलीज हुआ है जिसमें बॉलीवुड के एक बड़े कलाकार विष्णु शर्मा नजर आ रहे हैं। फिल्म ये है मेरा वतन का निर्माण मोशन पिक्चर्स के बैनर तले किया गया है जिसके निर्माता निर्देशक है मुश्ताक पाशा। आज एक तरफ जहां लॉकडाउन के चलते पूरी दुनिया परेशान है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भारत के जवानों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ रहा है। ऐसे में इस फिल्म में देश प्रेम की भावना लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। यही कारण है कि इस फिल्म के पोस्टर को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं और फिल्म के पोस्टर पर लिखे डायलॉग लोगों की जबान पर हैं। फिल्म में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है, पर इस फिल्म की खासियत क्या है ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलेंगे नई नई खबरों के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।